आप मुझे बताइए, आप कोयला उसी को, गैस उधी उसी को, बिजली उसी को, पानी उसी को, सारा कुछ उसी को देते जा रहे हैं, देश के सारे संसाधन उसी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोल का ब्लॉक रद्द कर दिया, तो आखिर मुझे बताइए कि आपने कैसे 100% ये कोयले की खदान अडानी को दे दी, कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपना ही कोयला लेगी और अगर नहीं ले पाएगी तो उसके लिए पेनल्टी देगी, कैसे इसमें आप महंगा कोयला खरीद रहे हैं, जो कोल इंडिया का कोयला है वो 827 में मिल रहा है, जो अडानी का कोयला है वो 1269 रुपए पर टन में मिल रहा है। या आखिर हो क्या रहा है, अपने एक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? और इतने बड़े घोटाले पर, इतनी बड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट और एक्ट को किनारे रखते हुए जो अडानी के साथ समझौता किया गया, इस पे कभी कोई सीबीआई नहीं गई, कभी कोई ईडी नहीं गया, कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया, कभी कोई छापेमारी नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है? पूरा देश आप लूटते रहेंगे इसी तरीके से? तो दो खदानों का पहले मैंने खुलासा किया, ये तीसरी खदान है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक्ट के खिलाफ जाकर अडानी को दे दी गई है, और इसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो ये कोयला की खदान बंद की जाए, और छत्तीसगढ़ सरकार की कोयला खदान है, छत्तीसगढ़ सरकार ही लैंड का एक्विजिशन कर सकती है, जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इस मामले में सारा कुछ आपने अडानी को सौंप रखा है।